राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले इनका नागपुर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। सेवाग्राम आश्रम पंचायत राज विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सुप्रिया सुले नागपुर पहुंची है। इस मौके पर राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने सुप्रिया सुले का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी मध्यस्थता से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है। राज्य की राजनीति में शरद पवार एक ऐसे इस राज्य के वरिष्ठ नेता है जो बखूबी के साथ राजनीति को समझते हैं। समाजकारण और राजकारण के बलबूते पर शरद पवार इन्हें पूरे भारतवर्ष के साथ साथ देश विदेश में काफी लोग जाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार इनकी बेटी सांसद सुप्रिया सुले भी शरद पवार इनके नक्शे कदम पर चलते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अधिक ताकतवर बनाने के लिए काफी कामकाज करी है। हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सांसद सुप्रिया सुले इनका नागपुर हवाई अड्डे पर आगमन हुआ। शहर के पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रिया सुले इन्होंने कहा कि आघाड़ी सरकार मात्र 5 साल नहीं बल्कि 25 वर्ष तक चलेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनका कामकाज काफी अच्छा चल रहा है। नारायण राणे के बारे में पूछे जाने पर सुप्रिया सुले ने कहा कि जब जब कोई भी ईडी सीबीआई की धमकी देता है या बात करता है तो उसका फायदा हमेशा राष्ट्रवादी को हुआ है। पवनार आश्रम के प्रमुख गौतम बजाज इन्हें हर वर्ष की तरह मिलने के लिए और सेवाग्राम आश्रम में आयोजित पंचायत राज्य कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए सांसद सुप्रिया नागपुर आई है। इस मौके पर बीसीएन समक्ष सांसद सुप्रिया सुले इन्होंने जानकारी दी। सगळ्या प्रश्नाचे एक एक करून उत्तर देते। एक तर सेवाग्राम आश्रमामध्ये उद्या पंचायत राजचा एक कार्यक्रम आहे, त्याच्यात मला दिल्लीचा एक मोठे एनजीओचा ग्रुप आहे त्यांचा 2 दिवसाचा एक वर्कशॉप आहे, त्या वर्कशॉपच्या कार्यक्रमासाठी मला आमंत्रित केलं आहे। उद्या माझं तिथे सेवाग्राम आश्रमात त्या वर्कशॉपमध्ये भाषण आहे, त्याच्यामुळे मी वर्ध्याला जाणार आहे। वर्षातून एक वेळा पवनार आश्रममध्ये मी गौतम बजाजांना भेटायला वर्षातून 1-2 वेळा दरवर्षी गेले अनेक वर्ष येते, तर अर्थातच मी गौतमबाईंना जाऊन भेटणार आहे। 2 मोठी कामं आणि त्याचबरोबर ज्या संघटनेत अनेक वर्ष मी काम करते त्याच्या माझ्यात काही सहकाऱ्यांची विनंती होती की आपण कोविडच्या काळात फारसं कोणाचंच काही बैठका होणं शक्य नव्हतं नियम कायद्याप्रमाणे, तर नागपूर आणि वर्ध्यात मी येणार असल्यामुळे आपण सगळे भेटूया आणि एक घरगुती असा एक आढावा आपण सगळे इंटरनली घेऊया। त्याचबरोबर ज्या संस्थेमध्ये अनेक वर्ष मी काम करते यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, त्याचंही ऑफिस माननीय गिरीश गांधींच्या नेतृत्वाखाली नागपूरमध्ये होतं, त्याचाही आढावा या कोविडच्या काळात झाला नसल्यामुळे या सगळ्या कामाचं 2 दिवसात जेवढं जमेल तेवढं माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर गाठी भेटी घेऊन या सगळ्या पोस्ट कोविड किंवा या कोविडच्या अशा वळणावर आपण आहोत। गेल्या वर्ष 1.5 वर्षात असंख्य अशी सामाजिक कामं जी खोळंबली आहेत, काही राजकीयही संघटना बांधणीच्या फारसं कुणालाच कुठली संधी मिळाली नाही, तर त्याच्या एक आढावा घेण्यासाठी मी आज इथे आलेले। सुप्रिया सुले इनका नागपुर के इसी एयरपोर्ट पे आगमन हुआ था और यहाँ से वे सीधा सेवाग्राम जाने वाली है, जहाँ पंचायत राज कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए सुप्रिया सुले यहाँ पे आई थी। पत्रकारों ने तमाम सवाल उनसे पूछे, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया और आखिरकार उन्होंने एक कहा कि मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं और कोई मैं इंस्टेंट कॉफी नहीं हूँ। नागपुर के एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।